असलम डियर स्टूडेंट्स होपफुली आप खैरियत से होंगे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स भी मिलती रहे साथ साथ आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के ट्रिक्स टेक्निक सारी प्रैक्टिकली काम करके दिखाया जाएगा जो कि आज के दौर में एक स्टूडेंट्स के लिए सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी आप हमारे चैनल की प्ले भी चेक कर लें वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड जो इंटरमीडिएट के बाद है ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी और नेक्स्ट मिलती भी रहेंगी तो अभी तक हम अनालिस करते हैं काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि जो एम

एट वाला टॉपर था इधर पंजाब यूएचएस के अंदर वन वाला था तो इस वजह से वो वाले स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स आने की वजह से मेरिट ऊपर जाएगा और ओवरऑल ये 90 या 89.5 या मुश्किल है कि इससे कम आए इस रेंज में आ सकता है सिर्फ हाँ ये 88 तक जा सकता था अगर डिफ़िकल्टी लेवल सेम होता तो अब ये और दूसरा भी है कि जो पिशावर पिशावर हाई कोर्ट है वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था तो इस वजह से जो कोर्ट का डिसीजन है वो बच्चों के ही हक़ में अभी तक आ रहा है कि वो एक तो मेरिट फार्मूला चेंज करने का कहा गया और दूसरा जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे वो उनको भी कहा गया है पी को कि इनके बच्चों को मार्क्स दे तो इस वजह से अब एकम दिसंबर को इसकी फाइनल हियरिंग होगी तो उसमें फिर इन्होंने अपना जमा करवाना है तो लेट्स सी कि क्या फ़ाइनल डिसीजन होता है तो यही वजह है कि आप पंजाब के अंदर भी बच्चे जो हैं वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं और उसमें वो यही चीज़ें रखेंगे डिफिकल्टी लेवल की एक बात करेंगे कि जिस तरह एक ही प्रोविंस के अंदर इस्लामाबाद और पंजाब ये दो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल था इस तरह फिर क्योंकि पी ने पहले एक दफा कहा भी था कि इनके नोटिफिकेशन में भी कि नेशनल लेवल का टेस्ट होगा तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें क्या फ़ाइनल डिसीजन होता है और दूसरा ये है कि जो डी है इसके बाहर भी बच्चों ने काफ़ी एहजाज किया तो अब वहां के वाइस चांसलर ने यह डिसाइड किया है कि वो थर्ड पार्टी से पोस्ट एग्जाम करवाएंगे एग्जामी ट्वेंटी चीज है इसमें भी स्टूडेंट्स का फायदा हो सकता है और अब जो दूसरा मेन इशू चल रहा है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का है जिस तरह पी एम सी ने एक जल्दबाजी में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जिसके अंदर वो रिपीटर्स को तो इलेक्टिव सब्जेक्ट सुनकर रखेंगे तो इससे अब फ्रेशर्स के अंदर काफी ज्यादा परेशानी पाई जा रही है कि उनकी अब कंप्लीट एफ एस सी और एफ एस सी का वेटेज फोर्टी परसेंट है तो वो भी ये अगर यह इसमें अब अगर इस तरह कर दिया जाए कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रेशर्स के भी काउंट किया जाए और रिपीटर्स के भी तो ये मसला हल हो जाएगा तो ये अब कुछ इश्यूज चल रहे हैं आई होप कि अब ये आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगे ताकि एक इक्वलिटी और आ, सब के लिए इक्वेलिटी होगी तो उससे फिर यह होगा कि ज़रा मेरिट वगैरह भी अब पंजाब में जैसे हाई मेरिट जा रहा है वो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया था इस्लामाबाद में जिन बच्चों ने दिया था उनका डिफिकल्टी लेवल कम था और एक ही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वाला है तो उम्मीद है कि हायर अथॉरिटीज़ आने वाले दिनों में ये मामला रिजॉल्व करेंगे और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोग अप्लाई करें अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ में देखते रहें एडमिशन भी इनके आजकल में ही ओपन हो जाने हैं तो बाकी ये है कि मैंने मेडिकल के अलावा बहुत ज़्यादा फील्ड बताई हुई हैं और अब जिस तरह का आजकल का दौर है ये टेक्निकल दौर है कंप्यूटर वाली फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो अब अपने पास मल्टीपल ऑप्शन बना के रखें मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि एक स्टेज अभी एफ इनिशियल स्टेज होती है बच्चे को इतनी फील्ड का नहीं पता होता बहुत ज़्यादा और फील्ड्स हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग के मौक़े हैं बहुत ज़्यादा कैरियर है तो आप अपने बाकी ऑप्शन भी बना के रखें अप्लाई हर जगह करें और अगर हो जाता है तो वेल एंड गड अगर इन केस नहीं भी होता तो आगे बढ़े मैं तो रिपीट करने के हक में नहीं होता स्टूडेंट्स को आगे निकलना चाहिए तो और भी बहुत ज्यादा फील्ड है मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाए वहां पर आपको एक नजर आएगा इंटरमीडिएट के बाद बेस्ट फील्ड तो उनको देखें आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा आप कंप्यूटर वाली फील्ड में भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं सिर्फ इनको पता नहीं होता कोई एक्स्ट्रा एड मैथ का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही करवा लेते हैं तो इसलिए इन दिनों में काफी ज्यादा रिसर्च करें बाकी फील्ड्स के ऊपर भी काम करके रखें सिर्फ इसी की तरफ ना देखते रहते कि क्या पॉलिसी आने लगी है क्या नहीं हो रहा आप अपने तौर पर बाकी फील्ड भी देख के रखें बाकी हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज